subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. लोटस इन द स्टोन एक बहुत ही खूबसूरत किताब है जो दुनिया की सबसे पुरानी सबसे बड़ी सिविलाइजेशन यानी हिंदुइज्म को इतने खूबसूरत अंदाज के साथ पेश करती है। उसकी जो हिस्ट्री है और जो मंदिरों की कहानी है, आप लोटस इन द स्टोन का जब भी नाम सुनते हैं ये टाइटल आपके जहन में आता है। अनुराधा गोयल जी की बहुत सारी किताबें हैं, ख़ास तौर पर लोटस इन द स्टोन और अनयूजुअल टेंपल्स ऑफ इंडिया। मैं उनको वेलकम करता हूं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर जुड़ी हुई हैं, भारत गोवा से। भारत का सबसे बड़ा जो एसेट है, सबसे बड़ा जो आर्ट है, वो मंदिर हैं। मैं बहुत सारी बातें आपसे करूंगा, पहले ये बताइए कि लोटस इन द स्टोन क्या अनयूजुअल टेंपल्स ऑफ इंडिया के साथ ही जुड़ी हुई है या एक अलग से है? ये अलग का है, दो अलग किताबें हैं। तो मैं एक पॉपुलर ट्रैवल ब्लॉग लिखती हूँ जो पिछले करीब 17 साल से लिख रही हूँ मैं, इंडी टेल्स उसका नाम है, INDITALES.com। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में छपता है। तो इसमें मैं करीब पिछले 20 साल से अपने ट्रैवलॉग्स को शेयर कर रही हूँ, लेकिन उन ट्रैवलॉग्स में क्या होता है कि एक जगह गए, आए, उस जगह के बारे में लिख दिया, उसमें कुछ थीम्स निकल के आए जिससे कि हमने अनयूजुअल टेंपल्स ऑफ इंडिया पब्लिश की। लेकिन लोटस इन द स्टोन जो है वो मेरी एक अपनी जर्नी है, मेरी अपनी जर्नी है फ्रॉम बीइंग अ एब्सोल्युटली अनअवेयर पर्सन, एब्सोल्युटली समबडी हु इज एब्सोल्युटली नॉट कनेक्टेड विद द रूट्स, टू गोइंग इन सर्च ऑफ माय ओन रूट्स, रिकनेक्टिंग विद माय ओन रूट्स एंड डिस्कवरिंग द रिचनेस ऑफ माय ओन कल्चर, and then sitting and saying why did my school books not teach me this, why did my parents not teach me this, why did my teachers not teach me this, but then also figure out that the diversity of this country is so huge, so multidimensional, that it's impossible to put it in a set of books. It has to be a discovery which you have to go out and find for yourself. The India that I find is my India. The India that you will find when you travel across will be your India. Is tarah jitne log jaake ek yatra karenge wo ek apni version of India payenge. To ye meri apni yatra hai, and this also connects lot of dots that I found out, lot of invisible threads that I discovered across the country. So it's a very, very personal journey, and the feedback that I'm getting in last 3 months of this book being in the market is that lot of people are connecting with it. Lot of people who have not traveled India, they are saying, now I want to see India through this lens. I want to look at temples from a different drishti. People who have traveled a little, they are finding a resonance. They are able to see their journey in my journey. So I really wish that lot of youngsters around the world, and you know, and actually it's a pretty universal book, though I have written primarily about India, all of us who are not so connected with our roots across the world will find it interesting, because you know, jitni jade mazboot hoti hain, hum utne hi phalte phoolte hain. और अगर हम जड़ों से कटे हैं तो कितने भी फले फूले हों मुरझा जल्दी जाएंगे। तो ये अपनी जड़ों से जुड़ने की एक कहानी है। आपने बहुत अच्छे शब्दों में इस बात को पेश किया कि ये जो बुक है अपनी जड़ों से जुड़ने की कहानी है। आप तो अपनी जड़ों के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपने ब्लॉग्स में भी, और जो आपका एक पर्सनल जर्नी है वो उसमें भी आप इसको पोर्ट्रेट कर रही हैं, लेकिन आपको भारत की जो इस वक्त की एनवायरनमेंट है, अपनी जड़ों के साथ जुड़े होने के नाते, आपको वो एनवायरनमेंट कितनी नज़र आ रही है आज के दिन?
देखिए, दो भारत हैं, एक तो जो हमें सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया में, मीडिया कंपनीज में दिखता है, और मैं मीडिया का एक तरह से हिस्सा भी हूँ क्योंकि इनडिटेल्स एक काफ़ी बड़ा पोर्टल है, तो बहुत बार हमें मीडिया ट्रिप्स के लिए मीडिया इनवाइट्स भी आते हैं, बहुत सारी ट्रैवल्स मैंने मीडिया ट्रिप्स के थ्रू भी की हैं, तो मुझे मीडिया का भी पता है। लेकिन जब मैं व्हेन आई ट्रैवल्ड एज अ नोबडी इन द कंट्री, लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, वो मुझे सिर्फ एक यात्री समझते हैं और मेरी हर तरह से मदद करते हैं, तो जो इंडिया मुझे वहाँ दिखता है और जो इंडिया मुझे मीडिया वर्ल्ड में दिखता है, दे आर टू एंटायरली डिफरेंट इंडियाज। एंड आई बिलीव दिस इज ट्रू अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जो एक नैरेटिव हम लोग क्रिएट करते हैं न्यूज रूम्स में बैठ के और जो नैरेटिव हमें ग्राउंड पे दिखता है, वो बहुत बहुत अलग चीज़ है। और मैं बहुत बार स्कूल्स में, कॉलेजेस में बात करती हूँ, आई ट्राई टू कन्वे दिस दैट द वर्ल्ड इज़ फार मोर ब्यूटिफुल देन द मीडिया वर्ल्ड वुड लाइक यू टू बिलीव। इट्स फार मोर ट्रस्टवर्दी, इट्स फार मोर ब्यूटिफुल, इट्स फार मोर ऑनेस्ट, इट्स फार मोर सपोर्टिंग बहुत तरह से। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पिछले 2-3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब 15 महिलाओं ने ये कहा था कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड फॉर वेमेन टू ट्रैवल। तो उनमें से 2-3 महिलाएं जो भारत की मीडिया वर्ल्ड से थी, उनको मैंने लिख के पूछा, आप अपने जीवन से मुझे वो उदाहरण दे सकते हैं, कैन यू गिव मी एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव फाउंड इंडिया अनसेफ, बिकॉज आई नो आई ट्रैवल ऑल बाई माई सेल्फ एंड बारिंग फ्यू अर्बन पॉकेट्स ऑफ डेली बॉम्बे, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी सेफ इन इंडिया, आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स। येस, पीपल ट्राई टू चीट यू एज अ ट्रैवलर, वो सब होता है, ऐसा नहीं होता, परेशानियाँ नहीं आती हैं, बट अनसेफ मैं जितनी यहाँ हूँ उतनी बाहर हूँ। इनफैक्ट इंडिया में मैं as an Indian, I feel far more safer because I understand the norms of this country, I understand the culture of this country, I know how to connect with my countrymen, and people also treat me like their own sister or their own daughter. Kisi ne jawab nahi diya. And I know the travelers fraternity, there are a lot of women travelers in India, women solo travelers in India, and I know from their experiences as well that it's not an unsafe country to travel. In fact, mere saath to aise aise incidents hue hain. There's a public talk of mine that I gave at National Women's Summit, where I give examples of people who have come forward to provide a security cover to me when they sensed that there could be any kind of danger or any kind of insecurity for me without me even asking for it, without me even noticing it. So, जब ऐसे ऐसे experiences आपके पास होते हैं तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि इंडिया अनसेफ है? हाँ, वो बात अलग है कि मेरे पास एक experience है travel करने का, I know how to interact with people, I know that आप जब किसी को respect देते हैं तो आपको वापस respect मिलती ही है। जब आप एक ये एटीट्यूड पहन के नहीं जाते कि भाई मैं तो बड़े शहर से आई हूँ, मैं तो बहुत बड़ी राइटर हूँ और तुम लोग कुछ नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो लोग आपको वही एटीट्यूड मल्टीप्लाई करके वापस करते हैं। जब आप हाथ जोड़ के सामने बैठ के एक पात्र की तरह बैठ जाते हैं कि भैया मैं तो आपसे लेने आई हूँ, मैं आपसे सीखने आई हूँ, तो लोग आपको देते भी हैं, सिखाते भी हैं। बहुत बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे इंसिडेंट्स उस किताब में हैं और आई थिंक बहुत किताबें हो जाएंगी अगर सारे इंसिडेंट्स लिखे जाएं तो। बट कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस मुझे ग्राउंड पे होता है और जो एक्सपीरियंस न्यूज़ रूम्स में है, वो एक एंटायरली डिफरेंट है, जिसमें कोई समन्वय नहीं है, जिसमें कोई कोई बैलेंस नहीं है। सो आप किस इंडिया की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं कि इंडिया डाइवर्स है, और अगर हम न्यूज़ रूम के लेंस से देखें तो फिर उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है, और ख़ास तौर पर वो न्यूज़ रूम्स जो वेस्टर्न लेंस से चीज़ों को देखना चाहते हैं या अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लेंस से चीज़ों को देखना चाहते हैं, उनका डिफरेंट होता है। और जिस तरह आप इंडिया को अपने अंदर बसाती हैं और उस देश में जो आपका और मेरा देश है उसमें आप बसती हैं, एक तो होता है किसी देश को अपने अंदर बसाना और दूसरा होता है उसमें बसना, दोनों काम एक ही वक्त में आप बहुत ही सहूलत के साथ जब करती हैं तो फिर असल इंडिया आप पर खुलता है, आपका अपना देश आपको अपने सीक्रेट्स ओपन करता है।
तो जो सीक्रेट्स ओपन करने की बात है, उनका फीडबैक कैसे आपको मिलता है? देखिए, ब्लॉग पे तो फीडबैक इंस्टेंटली आता है, ब्लॉग पे, सोशल मीडिया पे तो आपको पता है फीडबैक इंस्टेंटली आता है। प्लस ब्लॉग्स जो हैं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में पड़े रहते हैं, तो जब भी कोई पढ़ता है तो जो भी फीडबैक है वो इंस्टेंटली आता है। इनफैक्ट अभी तो बुक्स के फीडबैक भी आपको सोशल मीडिया पे ही मिल जाते हैं, पर्सनली रेयरली कुछ फीडबैक मिलती है। सो इनफैक्ट दैट्स द एडवांटेज ऑफ डिजिटल मीडिया, दैट यू गेट अ फीडबैक एंड यू नो दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, व्हिचएवर व्हाटएवर इट मे बी। सो वो फीडबैक मिलता रहता है, लेकिन फीडबैक से इम्पॉर्टेंट जो मुझे मिलता है सोशल मीडिया से, वो है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं एक जगह पे जाती हूँ, चार चीज़ें देखती हूँ, लेकिन 40 की लिस्ट वापस लेके आती हूँ कि ये भी देखने वाली है, ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, अगली बार ये देखिए। कितनी जगह ऐसा हुआ है कि कोई किसी को पता चला कि मैं उनके शहर में हूँ, वो आ गए, हम आपको ये भी दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं। एक इंडिया के राजस्थान में, मैं एक बहुत रिमोट गांव में थी, बहुत रिमोट गांव में, वहाँ से किसी ने मुझे ट्विटर पे कांटेक्ट किया कि आप यहाँ पर हैं? मैंने बोला मैं यहाँ पे हूँ। कहाँ हैं? यहाँ हैं। अच्छा रुकिए मैं आता हूँ। वो सज्जन मुझे अपने घर लेके गए और एक प्रॉपर नाश्ता करवाया। अब ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अब इसको आप फीडबैक कह सकते हैं कॉर्पोरेट जार्गन में, बट मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स में से है कि आपको प्यार करने वाले, आपके काम की कदर करने वाले लोग गली कूचों में मिल जाते हैं और आपके साथ आके मिलते हैं प्यार से। सो वो फीडबैक से भी बहुत बड़ी चीज है। फीडबैक तो आजकल मांग के भी मिल जाती है। तो खास तौर पर इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, लोटस इन द स्टोन, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या आप फील करती हैं? फीडबैक शब्द बरत लीजिए या परसेप्शन क्या है, और भारत में इसको किस तरह सराहा गया? देखिए, बहुत से लोगों ने मुझे लिखा, कुछ कुछ इंसिडेंट्स मैंने शेयर किए हैं अपने ट्रैवल से जो मेरे लिए भी, मुझे भी अचंभे में डालने वाले थे। जैसे मैं एक महिला से मिली थी बाली में, इंडोनेशिया में, और उन्होंने, उनसे मुझे पता चला कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा लाइफ में जो है वो गंगा आने की है, गंगा को छूने की है। और जब मैं बाली गई थी तो उससे करीब एक डेढ़ हफ्ता पहले मैं बनारस में गंगा किनारे थी, तो जब उनको पता चला कि मैं वहाँ से आ रही हूँ, शी लिटरली टच्ड माय हैंड एज इफ शी इज ट्राइंग टू टच गंगा बाय टचिंग माय हैंड्स। सो ये जब इंसिडेंट मैंने शेयर किया अपनी किताब में, बहुत लोगों ने मुझे लिखा दैट दे क्राइड आफ्टर रीडिंग दिस, दे लिटरली हैड टीयर्स आफ्टर रीडिंग दिस। जो इंडिया में रहते हैं, गंगा के आसपास रहते हैं, उन्हें लगा कि हमारे पास कितनी प्रेशियस चीज़ है जिसकी हमें शायद कदर नहीं है, हम तो कचरा भी वहाँ डाल देते हैं। और जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको वो किसी ज़माने में चिट्ठी आई है सॉन्ग का जो इमोशन होता था, वो इमोशन उनके मन में आता है। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं। फिर मैंने अयोध्या का अपना एक इंसिडेंट शेयर किया है जो मेरे लिए पर्सनली एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद मेरा अयोध्या से ऐसा रिश्ता जुड़ा कि अब मेरी अगली किताब जो आ रही है वो अयोध्या पर ही है। वो उस इंसिडेंट के बाद बहुत लोगों को एक दे फेल्ट वेरी इमोशनल रीडिंग दैट। सो द रिस्पॉन्सेज आई एम गेटिंग आर फार मोर इमोशनल, दे आर टचिंग द कॉर्ड समवेयर। आई हैवंट हर्ड एनीथिंग बैड एज येट। आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग दैट सम पीपल हैव नॉट लाइक्ड। लॉट ऑफ पीपल हैव सेड आई वी वॉन्टेड लॉट मोर टेम्पल्स, टेल अस मोर अबाउट दिस, बट दैट आई सी इट एज अ साइन ऑफ इफ द रीडर्स वॉन्ट मोर फ्रॉम एन ऑथर, दैट्स अ गुड साइन। दैट मीन्स दैट the author has been able to make a connect with the reader. So, but the responses so far that I have got are very, very emotional ones. देखिए, भारत इज़ अ लैंड ऑफ डीप स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज डीप कनेक्टिविटी, और मैं अगर ये भी कहूँ कि वो जो डीप मिस्ट्रीज हैं वो भी हैं, और ये तीनों चारों चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया को फैसिनेट करती हैं, दुनिया को जोड़ती हैं भारत के साथ। लेकिन आपकी जो किताब है,
ये मेरा जी चाहता है कि ये वेस्टर्नर्स पढ़ें, ख़ास तौर पर आज के समय में जब वेस्टर्नर मीडिया और एक्सट्रीम लेफ़्ट के लोग और एंटी जो भारत एलिमेंट्स हैं वो प्रोपेगेंडा बहुत कर रहे हैं। हम कनाडा में रहते हैं तो देखते हैं भारत के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा है, यूएसए में, यूरोपियन वर्ल्ड में। तो आपकी ये जो किताब है और इस तरह की जो आपकी किताबें हैं ये वेस्टर्नर्स तक पहुँचनी चाहिए। आप समझती हैं कि ये एक इंटरेक्शन पॉसिबल है और होना भी चाहिए क्या? होना चाहिए, बट मुझे अभी तक तो कोई फीडबैक नहीं मिला है फ्रॉम वेस्टर्नर्स। आई मीन देयर आर इंडियंस लिविंग इन द वेस्ट हु हैव रेड इट, बट नॉट वेस्टर्नर्स। सो आई होप आपके प्रोग्राम के थ्रू वील बी एबल टू रीच आउट टू देम। दिस इज फॉर एनीबडी हु वॉन्ट्स टू कनेक्ट डीपर विद इंडिया, beyond the surface, beyond the first layer. It is about finding the soul of India and connecting with it and finding yourself in that uske taane baane mein khud ko paane ki kahani, jo bharat ke jo kahaniyon ke kisson ke you know iski atma ka jo taana baana hai, jaise kabir kehte kisi zamane mein unki jo taana baana hai usme hi aap kahin apna taana baana bhi pa lenge. To aur ye bahut you know jaise hamare scriptures mein likha hai, yatha brahmande tatha pinde, yatha pinde tatha brahmande, jo brahmand mein hai wahi हमारे शरीर में है, उसी तरह ये भारत भूमि भी जो है वो भी एक तरह का ब्रह्मांड है। तो हमें वो भी अपने अंदर मिलता है और हम उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन आपको उस लेवल तक जाना होगा। जब आप उस लेवल तक पहुंचेंगे तो वो लेयर्स रिवील होने लगती हैं जहां आप अपने आप को उसका एक हिस्सा पाते हैं और वो आप एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को पाते हैं, अपने अंदर भारत पाते हैं और भारत के अंदर खुद को पाते हैं। आप एक इनको बहुत अलग करके नहीं देख सकते। तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तब आपका जो रेजोनेंस है, चाहे वो इस जगह के साथ हो, चाहे यहाँ के लोगों के साथ हो, यहाँ के ट्रेडिशंस के साथ हो, यहाँ के कल्चर के साथ हो, वो एक आत्मीयता का हो जाता है। जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू में पहले कहा था, ये भारत, ये किताब पढ़ने के बाद आपको ये भावना आनी चाहिए कि ये मेरा भारत है। अभी तक जैसा आपने बहुत सही कहा था कि एक वेस्टर्न लेंस से, इनफैक्ट हमारी टेक्स्ट बुक अभी भी बहुत वेस्टर्न लेंस से लिखी हुई हैं। तो जब हमें पढ़ाया जाता है कि ये फलाना मंदिर है, ये फलाने ने बनाया था, इस सन में बनाया था, इस चीज से बनाया था, इतना ऊंचा, इतना चौड़ा, इतना लंबा, वो तो एक बहुत ही ऊपर के लेवल की चीज़ है, लेकिन उसमें भी हमें क्या बताया जाता है, किसी ने बनाया था। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि वो जो किसी ने बनाया था वो किसी नहीं था, वो हमारा ही एक पूर्वज था, वो हमारे ही बाप दादाओं ने बनाई थी, तो फिर हमें वो मंदिर अपना लगने लगता है कि अच्छा ये मेरे बाप दादा बना के गए थे तो ये तो मेरा है ना। उसके जमीन के कागज पे मेरे नाम हो ना हो, लेकिन उसमें जो मेहनत गई है, पैसा गया है, जो इच्छा शक्ति गई है, जो बनाने की इंटेंट गई है, जो उनका पर्पस है, वो मेरे पूर्वजों का है। और जब मैं ये सोचने लगती हूँ कि ये मेरे पूर्वजों ने बनाया है और मैं इनकी वंशज हूँ, तो वो दो तरह से काम करता है। एक, वो मुझे प्रेरणा देता है कि देखो ये हजार साल पहले ऐसी चीज बनाए गए जो आज हम सारी टेक्नोलॉजी के बावजूद रेप्लीकेट नहीं कर सकते। क्रिएट करना तो दूर की बात, हम रेप्लीकेट नहीं कर सकते। दूसरा, कि इसको संभालना मेरा काम है, इसको आगे ले जाना मेरा काम है। वो अगर 50 पीढ़ी पहले बना के गए थे तो आज मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इसको जाया होने दूं। मुझे इसको अगली पीढ़ी के पास देना है। I have to pass this baton on। तो लेकिन ये तब आती है आपके मन में, इस लेवल पे आप तब जुड़ते हैं जब आप उसे अपना समझते हैं। जब तक हम दूसरों के लेंस से देखेंगे कि अच्छा किसी एक राजा था उसने बनाया था, लेकिन वो राजा कौन था? वो राजा हम में से किसी के बीच में से निकला था ना। तो ये अपनेपन की फीलिंग कि ये धरोहर जो है, ये हेरिटेज जो है, ये चाहे बिल्ट है, चाहे वो इंटेंजिबल है, चाहे वो लिव्ड कल्चर है, चाहे वो हमारे अनब्रोकन ट्रेडिशंस हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में हम लोग करते हैं त्योहारों पे, पर्वों पे, छोटी छोटी चीज़ें, वो परंपरा है। परंपरा का मतलब होता है कि आपने अपने पिछली पीढ़ी से लिया, उसमें
जरूरत है तो कोई वैल्यू एडिशन किया और अगली पीढ़ी को दिया, आपको उसको तोड़ने का हक नहीं है। आपको, आप उसको इनहेरिट करते हैं और इट्स लाइक इनहेरिटेड वेल्थ विच यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत अच्छी आपने बात की। और देखिए, मैं पर्सनली फील करता हूँ, जैसे आपकी बुक है और इस तरह की जो भी बुक्स आज के ज़माने में पब्लिश हो रही हैं, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हमारे डिप्लोमेट ऑफिसर्स हैं भारत के, उनको चाहिए कि वो इंट्रोड्यूस करवाएं, इनकी ठीक से मार्केटिंग हो, क्योंकि जो एक तो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ इतना होता है उसका भी ये काउंटर है, और दूसरा ये असल और सच्चा और सुच्चा भारत है, इसको हमें वेस्टर्नर तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ ये काम नहीं हो रहा, मैं चाहूँगा कि ये काम हो। ये अपनी जगह पे बात है। ये जो किताब है ये शुरू होती है कुंभ मेले से, और फिर हमें साउथ के जो टेंपल्स हैं उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है टेंपल्स की, वो आपकी जुड़त टेंपल के साथ हमें वो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस आपका है, आपका एक्सपीरियंस है कि हाउ यू सी एंड हाउ यू फील इन टू दोज ग्रेट प्लेसेस। तो इसमें ज़्यादा मुझे लगता है जो भारत की डाइवर्सिटी तो बहुत है हर तरह से, ज्योग्राफिकली भी, एथनिकली भी, तो इसमें ज़्यादा जो मुझे लगा कि साउथ ज़्यादा है इस बुक में, क्या आपकी फीलिंग है? आप एक तो देखिए, साउथ में बिल्ट कल्चर और लिव्ड कल्चर दोनों नॉर्थ से ज़्यादा है, एक ये है। दूसरा, अगर आप साउथ में नहीं रहे हैं तो आपको शायद लगेगा, या आप साउथ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आपको शायद लगेगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए, मैं साउथ की हर एक स्टेट के बारे में एक इतनी ही बड़ी किताब आसानी से लिख सकती हूँ। उनका कल्चर इतना रिच, इतना डाइवर्स, और उनका नहीं, वो हमारा ही कल्चर है, बट उन्होंने सहेज के रखा है, एंड जो फॉर ज्योग्राफिकल रीजंस दे कुड डू इट, दे डिडंट फेस व्हाट द नॉर्थ ऑफ इंडिया हैड टू फेस। एंड द रीजन आई आल्सो हाइलाइटेड इट अ लॉट इज बिकॉज नॉर्थ भी इतना ही रिच था। दिल्ली में आप कुतुब मीनार में चले जाइए और कुतुब मीनार के जो बचे हुए टुकड़े पुराना किला म्यूजियम में मिलते हैं उन्हें देखिए, और दक्षिण के मंदिरों को देखिए, तो वहाँ के मंदिर दक्षिण के मंदिरों से कहीं कम नहीं है। एक दो जो छोटे छोटे मंदिर बचे हैं, मैंने जागेश्वर धाम का मेंशन किया है, और एक दो एक मंदिर मुझे चंडीगढ़ के पास मिला था, प्राचीन मंदिर मिला था, जब हम उनके जो भी छोटे मोटे पीसेस बचे हैं उनको देखते हैं तो वो कहीं कम नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी चाह रही थी कि ये पता चले कि जो वहाँ था वो यहाँ भी था, लेकिन वो यहाँ बचा नहीं। अब उसे बचा नहीं को एक्सेप्ट करके वैसे ही चलना है या उसको फिर से बनाना है? ये आपने दो बड़ी अहम बातें की। जो हम सीक्रेट ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं वो नॉर्थ इंडिया की पूरी हिली हुई है। आज भी आप दक्षिण के गांव में जाएंगे तो गांव के बीचों बीच आपको मंदिर मिलेगा, और मंदिर के से चारों तरफ आपको गलियां निकलती हैं जहां कहीं बाजार होंगे, कहीं रहने की जगह होगी, कहीं कुछ होगा, पूरे शहर की बसावट होती है, लेकिन बीच में एक मंदिर होता है ग्राम देवी का, ग्राम देवता का। तो उत्तर भारत में भी जहां तक मुझे पता है, जो पढ़ाई के बेस पे या जो छोटे मोटे एविडेंसेस मिले, उत्तर भारत में बिल्कुल वैसा ही था, उतना ही उत्कृष्ट था। लेकिन अब हम साउथ को देख के ही उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। उसका एक छोटा एग्जांपल देती हूँ कि जो बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे बैठ के एनलाइटनमेंट मिली थी, बोधि उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो पेड़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मर गया था, लेकिन उस पेड़ की एक जड़ श्रीलंका में अनुराधापुर नामक जगह पे चली गई थी। वो उस टाइम डिवोटीज ले गए थे, तो वो पेड़ जो था वो अनुराधापुर श्रीलंका में जिंदा था लेकिन बोधगया में मर गया था। तो फिर जाकर वो वहां श्रीलंका से उसकी एक ब्रांच लेके आए, फिर उन्होंने इसको रीप्लांट किया। तो ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया ऐसे ही है कि नॉर्थ इंडिया से वहां गया और वहां से अब वापस लाके हमें इसको रीप्लांट करना है। तो कहीं ना कहीं मेरी ये आशा है कि नॉर्थ इंडियंस उसको पढ़ें, समझें और फिर होपफुली इंस्पायर होके रिक्रिएट करें। आपकी जो आशा है कि नॉर्थ इंडियन उस इंस्पिरेशन को लें और उसको रिक्रिएट करें, आप और मैं भी नॉर्थ इंडिया से हैं, हम पंजाब से हैं,
और पंजाब के बारे में मेरा हमेशा से ये दावा रहा है कि ख़ास तौर पर जो पंजाब है वो हिंदुइज़्म का गढ़ है, यानी हमारी सिविलाइजेशन का गढ़ है। इवन जो सिंधु जो जिसके नाम पे सब कुछ है वो भी पंजाब ही है। इनफैक्ट अगर आप उसको ग्रेटर पंजाब में देखें जो हमारा पूरा नक्शा है, तो पंजाब के जो मंदिर जो नहीं रहे, जहाँ से बहुत सारा इतिहास गया साउथ को, अब रिक्रिएट करने की आपकी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, इस पर कितना काम होता आपको नज़र आ रहा है या इस पे कोई सोच नज़र आ रही है एटलीस्ट? नहीं सर, unfortunately I am not aware of anything that's happening in this space. In fact Punjab mein maine apne Punjab mein jo India mein is samay Punjab hai jahan ka mera janm hai, jahan maine bachpan bitaya hai, wahan par mujhe nahi pata maine koi prachin mandir dekhe hain. Halanki mujhe pata hai Jalandhar mein Amritsar mein prachin mandir hain, lekin maine khud nahi dekhe hain और वहाँ पर मुझे जाना है. दैट्स काइंड ऑफ पेंडिंग ऑन माय साइड टू गो एंड एक्सप्लोर दैट होल रीजन. अगर आप कंबाइंड पंजाब देखते हैं जिसमें पंजाब हरियाणा हिमाचल आज की डेट का आता है, वो 1960 तक आई थिंक पूरा पंजाब में ही आता था, तो बहुत बहुत प्राचीन देवी क्षेत्र हैं वहाँ पर. इनफैक्ट जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ, अग्रवाल कम्युनिटी, हमारा गढ़ है हरियाणा में हिसार के पास अग्रोहा धाम, वो भी मैंने अभी तक नहीं देखा है. लेकिन देखिए मंदिर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है मंदिर नहीं बन रहे हैं, लेकिन मंदिर जो है वो मंदिर जिस तरह से बनने चाहिए वो बन रहे हैं या नहीं, मुझे डाउट है. उसमें हमारे शिल्प शास्त्रों को नहीं फॉलो किया जा रहा, उसमें हमारे जितनी परंपराएं हैं जो मंदिर का एक विज्ञान है उसको नहीं फॉलो किया जा रहा. तो कहीं ना कहीं हमें वो चेतना वापस लानी होगी कि मंदिर केवल एक बिल्डिंग नहीं है टू शोकेस कि अरे हमारे शहर में इतना बड़ा मंदिर है. द मंदिर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीबडी हु लिव्स अराउंड इट. तो वो एनर्जी उसमें जब तक एक्यूमुलेट और जेनरेट नहीं होगी, वो शहर को एनर्जी कैसे देगा, वो आने वालों को एनर्जी कैसे देगा. यू नो दो टुडे वी एसोसिएट टेम्पल्स विद रिलीजन, बट टेम्पल्स आर अ वेरी वेरी पोटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. आप रोज सुबह उठ के मंदिर जाना इसलिए कहा जाता है, मंदिर या कोई भी और जहाँ भी आप जाना चाहे 10 मिनट अपने साथ बिताने के लिए, बिकॉज वो आपको एक रिचार्ज करते हैं. देयर लाइक योर लाइक यू हैव टू चार्ज योर मोबाइल फोन, यू हैव टू चार्ज योरसेल्फ. सो यू गो टू अ प्लेस वेयर द एनर्जी इज मोर देन व्हाट यू हैव, सो यू गेट इट. जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ आप साल में एक बार भी जाते हैं तो आपको वो रिचार्ज आपका हो जाता है. कई जगह ऐसी होती हैं कैलाश मानसरोवर जैसी, जहाँ आप जीवन में एक बार चले गए तो आपकी आपको जो रिचार्ज चाहिए हो जाता है. और तो वो हम जब तक मंदिर को एक एनर्जी के और मंदिर के साइंस और उसके सोशल एंगल से नहीं समझेंगे, तो बड़े बड़े मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा. आई हैव बीन टू मेनी टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया. व्हेन आई सिट विद द पुरोहित दीज डेज, व्हेन आई ट्रैवल टू टेम्पल्स, आई सिट विद द पुरोहित, आई आस्क देम द स्टोरीज, हाफ ऑफ देम डोंट नो द बेसिक स्टोरीज ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स, एंड इफ दे डोंट नो दे कांट टेल द पीपल हु आर विजिटिंग टेम्पल्स, दे कांट टीच. सो देर हैज टू बी अ बिट ऑफ a guidance, mentoring, a bhavna of being somebody who's a guide in the temple. So lot of things have to fall in place for this whole culture to come up. Building banana is not a big deal. Uske liye paisa bhi aa jata hai, uske liye sab kuch ho jata hai, buildings ban jati hai. Building banana aasan nahi hai, lekin ho jata hai because physically wo dikhta hai. लेकिन उसके आसपास का जो कल्चर बिल्ड करना और जो इंटेंजिबल कल्चर बिल्ड करना है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो नॉलेज हम काफ़ी हद तक खो चुके हैं. तो उसको उसको फिर से ढूंढ के और उसको फिर से एक अमल में लाना, दैट इज़ अ बिगर चैलेंज इन माय व्यू. आपने दुरुस्त कहा कि बिल्डिंग को बनाना तो कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन बात यह है कि उस बिल्डिंग के
अंदर भी और उसके बाहर भी वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है। जब हम मंदिरों की बात करते हैं और देखते हैं पुराने हिस्टोरिक मंदिर, तो आपकी इस किताब में मुझे मंदिर जो प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के तौर पर तो मिलते ही हैं, मगर उसके साथ साथ एक आर्ट का नमूना भी नज़र आते हैं बहुत बड़ा, चूँकि आर्ट अपनी जगह पर एक स्पिरिचुअलिटी का ही मैनिफेस्टो होता है। हम आर्ट को स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं निकाल सकते। तो हमारी हिस्ट्री में तो नहीं, या हमारी हिस्ट्री में बहुत खूबसूरत आर्ट और स्पिरिचुअलिटी के ये जो मिक्सचर हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन जो 50 साल बाद या 100 साल बाद आने वाला समय होगा वो आज हिस्ट्री होगा। तो एक तरह से रिपीट भी है मेरी बात, मगर मैं थोड़ा सा इस पर फिर जोर देना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आज क्या ऐसा काम हम कर पाएंगे कि 50-100 साल बाद आज के काम को हिस्ट्री के तौर पर देखा जाए, जैसे 100, 200, 500, 1000 साल पहले के काम को हम हिस्ट्री के तौर पर देख रहे हैं। नहीं सर, अभी तो अगले 50 साल कहना मुश्किल है, हम नींव डालने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट इसको हम नींव समझ सकते हैं कि मेरे ये किताब या इसके जैसी और किताबें ये नींव का पत्थर हैं जिसके बेसिस पे नींव बनेगी। तो नींव डालने की कोशिश है, लेकिन हमारे आपके लाइफ टाइम में हम देखेंगे कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक ट्रांजिशनरी फेज में फंसे हैं। जो हमारे से 2-3 जनरेशन पहले जनरेशन थी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन थी, वो एकदम रूटेड थे। फिर जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन आई, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली जनरेशन थी, दे वर सो लॉस्ट इन काइंड ऑफ डीलिंग विद ऑल द इश्यूज ऑफ लाइफ दैट वी लॉस्ट द मेजर कॉलोनाइजेशन इन इंडिया एटलीस्ट हैपेंड पोस्ट independence, when we lost our cultural threads. Now we are trying to re-figure them out. So मुझे नहीं लगता, पर हम नींव डालने की कोशिश पक्का कर रहे हैं, तो hopefully these will turn out to be good seeds which become trees for the next couple of generations at least. आपने पीछे जिक्र किया कि अयोध्या के हवाले से आप एक किताब भी लिखने का इरादा रखती हैं, और अब ये एक हिस्टोरिक डिसीजन भी आ गया जिस पे हम सब बहुत खुश हैं कि राम मंदिर रीबिल्ड होगा। तो क्या आपको राम मंदिर का एक तरह से जो आर्किटेक्ट आउटलाइंस हैं वो भी हम देख रहे हैं, बहुत ही सेक्रेट प्लेस है, तो आपको क्या लगता है कि ये हिस्ट्री को रीराइट कैसे करेगा? देखिए, राम मंदिर के साथ बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है। बहुत लोग जो यूजुअली आपकी तरह मेरी तरह आके पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे बात नहीं करते, लेकिन उनकी आस्था जुड़ी है। अगर आप पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी कहीं भी जाते हैं, आप किसी रैंडमली किसी से पूछ लीजिए कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो वो हाँ कहेंगे। जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे भी आकर उसका विरोध भी करते हैं, वो भी घर में जाके माफी मांग के बोलते हैं कि राम जी आपका मंदिर बन जाए। तो ये इनफैक्ट मेरी किताब का सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट सच पीपल जो पब्लिकली कुछ भी बोलते रहे लेकिन अंदर से उतने ही स्पिरिचुअल हैं जितने आप या मैं। बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी आस्था रखता है हमारे हर भगवान में, हमारे हर इष्ट में। इवन दोज हु हैड कन्वर्टेड, दे कीप द सेम फेथ, लेकिन जो बाहर बोलते हैं वो अलग है। मेरा पूरा सेकंड चैप्टर जो है इस किताब का वो यही चीज को हाईलाइट करता है। आई हैव गिवन एग्जांपल्स फ्रॉम साउथ इंडिया ऑफ बिगेस्ट लीडर्स हु वर सपोज्ड टू बी एंटी हिंदू एंड हु मेड श्योर दैट देयर फैमिली टेंपल इज द बेस्ट मेंटेन टेंपल इन द स्टेट। आई हैव गिवन एग्जांपल्स ऑफ यंग जर्नलिस्ट्स आई हैव मेट who would say, oh no, I don't go to temples, temples is not my thing. But when they went with me, they prayed with such sincerity that I was touched. So I
सो जब आपको ये देखने को मिलता है तो आपको पता है कि अंदर से सब चाहते हैं. आई डोंट सी मैनी पीपल, देर वुड बी सम पीपल बट दे आर मोर ऑफ एन एक्सेप्शन, अ रेयर एक्सेप्शन, हु डोंट वॉन्ट राम टेम्पल. इवन इफ दे आर शाउटिंग ऑन टॉप ऑफ देयर वॉइसेज ऑन टीवी स्क्रीन्स, दे डू वॉन्ट द राम टेम्पल. राम टेम्पल, आप ये सोचिए राम हमारी लाइफ में कहाँ से शुरू होते हैं. हम एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, हम जाते हैं तो राम नाम सत बोलते हैं, हम हर चीज में राम नाम लेते हैं, और उस राम के जन्म स्थान पे आप एक मंदिर नहीं बना सकते, ऐसे कैसे हो सकता है. तो और ये बहुत बड़ा एक आस्था जो है उसको एक बहुत बड़ा स्तंभन मिलेगा, उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा जब ये मंदिर बन जाएगा. तो और मैंने बहुत से मुस्लिम क्रिश्चियंस बहुत लोगों से सुना है, हर कोई चाहता है कि ये मंदिर बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है. मुट्ठी भर लोग हैं जिनको जिनका अपना एक कारण है, बट वो सच में मुट्ठी भर है मेरे हिसाब से. आई कुड बी रॉन्ग बट मेरे हिसाब से वो सच में मुट्ठी भर है. वो तो पक्की बात है कि सभी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, और वो अब खैर बन भी रहा है और बड़ी शान व शौकत के साथ बनेगा. और मैं तो सिर्फ ये बात आपसे ख़ास तौर पर जानना चाहता हूँ कि वो हिस्ट्री रीरिटन भी तो हो रही है ना, वो जो हिस्ट्री का रीराइट होना है उसमें ये उसका पहला अक्षर है. जी ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं. अभी तो बहुत सारी मंजिलें हैं, अभी तो बहुत सारी. वैसे भी अ से हमारा तो हमारी तो वर्णमाला, हमारा अल्फाबेट ही अ से शुरू होता है, तो शुरुआत अयोध्या से ही होगी. बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की. मेरी अगली आने वाली किताब जो है एक्चुअली वो लिखी जा चुकी है, तो अभी वो एनी अनदर 15-20 डेज इट शुड बी आउट. तो वो मैंने ट्रांसलेशन की है स्कंद पुराण में. अयोध्या महात्म्य एक छोटा पार्ट है अयोध्या महात्म्य, करीब 1000 श्लोकों का, जहाँ अयोध्या की महिमा लिखी गई है. अयोध्या में जितने तीर्थ स्थल हैं उनकी महिमा लिखी गई है कि क्या क्या है, और अयोध्या का इतिहास है. हम लोगों को लगता है कि अयोध्या में श्री राम थे, लेकिन अयोध्या में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं. राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, राजा भगीरथ सगर जो थे वो अयोध्या के थे, रघु अयोध्या के थे, दिलीप अयोध्या के थे. बहुत बड़े बड़े राजाओं ने इस वंश में जन्म लिया है और अयोध्या से राज किया है. तो मेरा एक टॉक है राम राज्य पे, जो कि तुलसीदास की रामायण पे बेस्ड है, विच इज एज रेलिवेंट टू अस टुडे एज इट वुड हैव बीन इन द डेज ऑफ तुलसीदास. एंड इट्स कम्प्लीटली अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड एज वी से सस्टेनेबल लिविंग, कि राम राज्य कैसे आएगा. राम राज्य कोई चाबी नहीं है कि आपने घुमाई और आ गया, या स्विच ऑन ऑफ किया और आ गया या चला गया, या कोई राजा ले आएगा. राम राज्य हम सबको मिलके लाना है. व्हेन वी ऑल बिहेव आवरसेल्व्स, व्हेन वी ऑल बिहेव एज वी आर सपोज टू बिहेव, राम राज्य अपने आप आ जाएगा. सो ये सारी चीजें अयोध्या के साथ आएंगी. बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई, और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपसे और बातचीत हम करते रहें, ख़ासतौर पर जब आपकी नई बुक पब्लिश होगी तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे. आखिर में कोई ऐसी बात जो आप समझती हों कि आज की हमारी इस गुफ्तगू में मिस हो रही है, और कोई ख़ास मैसेज आप ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए. मैं ये कहूँगी कि जब आप भारत में आए, जो भी भारत के बाहर रहते हैं या भारतीय नहीं हैं मूल रूप से, और जो भारतीय हैं भी, चाहे वो भारत में रहते हैं या भारत के बाहर रहते हैं, जब आप भारत आए तो आप इसे अनुभव कीजिए. एंड आई एम यूजिंग द वर्ड अनुभव इन अ वेरी स्पेशल वे. आप ये मत पढ़िए कि कौन क्या कह रहा है, आप अपने अनुभव से इसको अनुभव कीजिए, और जो आपको महसूस हो, जो आपको फील हो, वहाँ से अपनी एक इमेज बनाइए कि ये ऐसा देश है, और वहाँ से इमेज बनाइए कि हमें कैसा देश चाहिए. दोनों चीज़ें, कैसा है, कैसा हमने पाया, और कैसा हमें चाहिए, दोनों चीजों को तौलिए, और फिर भारत बनाइए अपने सपनों का. और भारत जब हम सपनों का बनाएंगे तो दुनिया भी अपने सपनों की बनेगी. इंडिया डजंट स्टैंड आइसोलेटेड, यू नो, इट इज नॉट, इट डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. इट हैज टू को एग्जिस्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट लाइक इट हैज को एग्जिस्टेड फॉर एवर.
2000, 4000, 5000, 10000 साल पहले भी हम दुनिया से जुड़े थे, दुनिया से ट्रेड करते थे, आते थे, जाते थे, तो वैसे ही अभी भी जुड़े रहेंगे। और भारत का जब अच्छा होगा तो दुनिया का भी अच्छा ही होगा। इट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट वी वॉन्ट टू प्रॉस्पर, वी वॉन्ट टू प्रॉस्पर विद एवरीबडी। सो वो जब आप आए तो आप अनुभव, अपना अनुभव कीजिए, लीव आउट ऑल द स्टीरियोटाइप्स दैट हैव बीन क्रिएटेड पॉजिटिव और नेगेटिव बाय एनी काइंड ऑफ मीडिया, क्योंकि आपका जो अनुभव है वो डिफाइन करेगा आपका इंडिया क्या है। बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया, और ये सिर्फ मैसेज ही नहीं है, एक फिलॉसफी भी है और एक डेप्थ भी है इसमें। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें आज समय दिया, और हम चाहेंगे कि आपसे आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह बातचीत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर भाई, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ये सब हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक एंड ऑल द अदर बुक्स दैट आई होपफुली आई विल कीप राइटिंग। थैंक यू वेरी मच। बातचीत आप सुन रहे थे अनुराधा गोयाल जी की, और इनकी ये किताब लोटस इन द स्टोन गरुड़ा प्रकाशन ने पब्लिश की है, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, इसका किंडल एडिशन भी, और इसका जो हार्ड कॉपी है वो भी आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, और जो भारत में बहन भाई रहते हैं वो बुक शॉप से भी जाकर इस किताब को ख़रीद सकते हैं। और मेरी ये भी इच्छा है कि ये किताब ऑडियो बुक्स में भी जल्द आ जाए, ताकि हम audible.com और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑडियो बुक्स के, उस पर भी इस किताब को सुन सकें, इंजॉय कर सकें। आज का तजिया इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।